और मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, सबने बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दी है मेरे को। पढ़ी हो दो चार कमेंट? हाँ बता रहे थे। हाँ बोला है तेरे? हाँ तेरे बोलो। हाँ मम्मी जाई जा तो नहीं आप सीधे जाते बने नहीं आवा हेलो गुड मॉर्निंग नमस्ते प्रणाम जय माता दी। नवरात्रि की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो अभी मैं अरम्या की उतार रही हूँ नज़र, क्योंकि बाती से नज़र कैसे उतारते हैं वैसे मुझे एकदम एग्जैक्टली नहीं पता है, मैं सीख रही हूँ, सीख जाऊँगी तो उतारूँगी। बट लोग कहते हैं कि माँ का उतारा हुआ नज़र नहीं सफल होता है, लेकिन कोई है भी नहीं, मैंने सोचा कि मैं किसी और से उतरवा लूँगी बट कोई मुझे मिला नहीं, तो मैंने ही नज़र उतारी। मैं हर रोज़ उतार रही क्योंकि नज़र भी लग जाती है और मैं खुद की नज़र भी उतार ही लूँगी, क्योंकि मैं जिस दिन मतलब मैंने वीडियो शूट करने गए थे ना गाजीपुर, जिस दिन मेरा मेकओवर हुआ था उसके अगले दिन से भी बीमार पड़ गई, तो शायद लग गई होगी नज़र मेरे को। मैं क्या बोलूँ, ऐसा तो मतलब होता है ना जब दवाइयाँ असर नहीं करती और बार बार ऐसी चीज़ें होती तो कर लेनी चाहिए। उसमें क्या है, मिर्ची और सरसों से उतार लो, और यहाँ पर पूरा बेड जो है वो बिखरा पड़ा है, मतलब बेड नहीं, आप मेरा घर देखेंगे ना इस टाइम पे, मतलब कि क्या बताऊँ, लेकिन हाँ धीरे धीरे मैं ठीक कर लूँगी ये मुझे पता है, जो कि ये मुझे अच्छा लगता है। मैं थोड़ा परेशान ज़रूर होती हूँ लेकिन फिर मुझे लगता है कि मैं सब ठीक कर लूँगी। बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ, दिखा किसी शायर की कसम जो दे रूह को सुकून के पल, कोई हंसो शुद्ध पीली चाय, शुद्ध काली चाय का बहन जी दो ले आ? खाली चिटिंगबाजी कर ले हैं। बोली बोली ये देखिए नकल से पास हुए बच्चों को, देखिए बच्चे को, आपका जमाना में नकल हो के चल ठीक भाई तरम पे डाल दे बता दी।
काटा संदे चिवटी बोलत नहीं कर। और इधर ये लड्डू खाती मेरी लाडो, खाओ खाओ बेटा। हाँ चाटा तड़ू। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए बेड में ये वाली साड़ी मुझे कोलैबोरेशन के लिए आई है, और ये सूट तो बहुत ही प्यारा है, ये भी मुझे कोलैबोरेशन के लिए ही आया हुआ है, तो मैं इसको रख रही हूँ। और ऊपर से मैं खांस भी नहीं, मेरे को खांसी नहीं मेरी ठीक हो रही है, बाकी सब तो ठीक हो गया है, तो वो रिलीफ होने में 2-3 घंटे लग जाएंगे, 2-3 दिन लग जाएंगे, 2-3 घंटे नहीं। यहाँ पे आ गई हूँ किचन में, और रम्या की एक फरमाइश थी कि दाल बनाओ लेकिन गाढ़ी दाल मत बनाना हमेशा की तरह अरहर की, मतलब एकदम पतली दाल बनाओ, ऐसा जो मतलब दाल चावल खाएँ। तो मैं ना पता नहीं क्यों जो भी हो, मैं थोड़ी सी दाल ना बहुत मतलब पतली में से नहीं बन पाती है, बट उसकी फरमाइश थी तो मैंने बोला कि चलो मैं थोड़ी सी पतली बनाने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ पे मैं फ्रूट्स जो है, मतलब ये एप्पल था और वो था अनार था, दोनों थे सेब और अनार, तो मैं सोचा कि मैं फ़िलहाल के लिए उसको काट के दे देती हूँ, और रम्या के पापा को भी आवाज़ लगा देती हूँ, कुछ नहीं तो मुट्ठी में उठा के ले जाएंगे, तो काम करवाते करवाते वहीं पर खड़े खड़े खा लेंगे। और किचन की स्लैब आपको लग रही होगी गंदी है, तो लगनी क्या, गंदी है ही, इसको मैं आज मैं क्लीन भी करूंगी। हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। पंखा चल रहा है ना, तो आवाज़ थोड़ी सी मेरी कम आ रही होगी, तो मैंने जो है वो बना लिया है, मतलब अरे बेटा कना में कर दे तू, मैं सुनने वाला है, कहाँ रख ले बड़ू, दे दू तो पहन लेती, अब आवाज़ आ रही होगी, अरे मैं पंखा बंद कर दी, तो मतलब सब कुछ काम मोस्टली हो ही गए हैं। घर का काम आपको मैं आगे और दिखा देती हूँ, अरु को बोलती हूँ जाके वो थोड़ा सा सूट करके ले आएगी, मतलब इतना दुख हो रहा है, इतना तकलीफ़ हो रहा है ना कि माफ़ करिएगा, इतना मतलब पैसा लगा के फिर से उसको तोड़ा जा रहा है, तो वो देख के बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है। और अभी लगाना है झाड़ू, और पोछा लगाए 4 दिन हो गए हमारे घर में, तो पूरे घर मतलब देख के अजीब लगा था ना, बुची बुची, अरे बाप रे बेटा इतना सुरक्षित रखी है। मैं जितना मतलब मेरा कुछ भी रहता है ना ज़रूरी चीज़, जो मुझे लगता है कि मतलब इयररिंग मुझे कई बार खोलने पड़ जाते हैं जब वीडियो शूट में लगातार करती हूँ तो, और स्टप्स की ना मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, दिखाओ रम्या। अच्छा रम्या बहुत सारी चीज़ों में मेरे पे नहीं गई है, जिस बात की मुझे बहुत खुशी होती है, जैसे कि चीज़ों को लेके वो लापरवाह नहीं है, मैं जो चीज़ है वहीं छोड़ दिया मैंने। ये टप्स मैंने लिए हुए थे, अभी मैं दूसरा लूँगी, कब लूँगी तो ये तो मुझे डेंगू ने फाइनेंशली भी बहुत बर्बाद किया है। ये देखिए ये मेरे गोल्ड के टप्स हैं जो कि मैंने लिया हुआ था एनिवर्सरी पे अपने, तो इसका ये जो है ना ये वाला पार्ट, ये तो पहले छोटू छोटू सा है बहुत, देखिए तो, लेकिन डिज़ाइन इसकी बहुत प्यारी लगती है तो मैंने ले लिया था, क्योंकि मेरे मतलब रोज़ पहनने के लिए नहीं थे। तो यहाँ पे ना ये जो है बेटा तनखू करवा मध्यम नकदा, ये जो है ना ये ना चुभते हैं, ये जो दोनों है ना ये मतलब पहनी और इधर उधर घूम जाए तो ये चुभते हैं, ये वाले इयररिंग मेरे गोल्ड वाले, तो इसीलिए मैं इसको ना निकाल देती हूँ रात को सोती हूँ तो पहन के। अभी मैं बाली टाइप का कुछ लूँगी, जब भी लूँगी, अभी तो मतलब अभी बैक टू बैक इतने फंक्शन आ रहे हैं ना, मतलब नवरात्रि तो भले ही हमने 9 दिन मतलब मैंने व्रत नहीं किया या फिर हम लोग का नवरात्रि पूरा डिस्टर्ब चल रहा है, लेकिन मैं माता रानी ने चाहा रम्या भी ठीक हो रही है, मैं भी ठीक हो जाऊँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो प्रसाद वगैरह जो कुछ भी होगा मैं आगे शेयर, उसके बावजूद मतलब 1-2-3 मतलब 3-4 प्रोग्राम ऐसे हैं ना जो आप आगे देखिएगा, अभी क्या बताऊँ, क्योंकि अगर बताई हुई चीज़ें हो जाए तब तो पूछनी ही नहीं, इसलिए मेरे इस समय टाइम अच्छे नहीं चल रहे, तो मैं ज़्यादा घोषणाएँ नहीं करूँगी। दवाई खाने के बाद ना जैसे बुखार उतर रहा है तो बहुत पसीना होता है गर्मी, तो पंखा मैं ऑन कर देती हूँ, और कुकर की सीटी बज रही है इसका मतलब दाल होने वाला है, तो मैं जा रही हूँ, और मैं बोल रही है कि सब्जी बनाओ जो
सूखी वाली बनाती हो वैसी वाली कुछ सब्जी बनाओ, जिसमें एकदम मसाले मत डालो लेकिन सब्जी होनी चाहिए वो। तो देखिए मैं क्या बनाती हूँ, वो सी चीज़ें शेयर करूँगी। और बस आप सबसे विनती भी करूँगी कि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। तो इस माफ़ करिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा खांसी एकदम जानवरों वाली मेरे को हो चुकी है, जो नहीं होती एकदम अजीब देख लीजिए वैसी वाली। तो मैंने जो है वो अदरक गुड़ और क्या बोलते हैं घी वो पका के खा लिया है लल्ला। और मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, सबने बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दिए मेरे को। पढ़ी हो दो चार कमेंट? हाँ बता रहे थे। हाँ मैं इसको पढ़ के ना आप लोग की कमेंट सुनाती हूँ, अगर इसके लिए आती है तो, वरना मैं इसको दूर रखती हूँ कमेंट से। वैसे ये देखिए कल से स्कूल जाएगी और इसका होमवर्क मैम को वो देना पड़ेगा ना। अगर स्कूल का कोई भी वीडियो देख रहा है तो, अरे मैं की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो इसको वो दे देना, कॉपी वगैरह दे देना, इसकी हेल्प करना, इसका ख्याल रखना, अभी बहुत वीक हो गई है। अच्छा देखिए इसको ना आदत पड़ गई है, ये चार दिन से तो स्कूल गई नहीं है, चार दिन ना पाँच छः दिन हो गए। ये बेटा कितना होमवर्क हो तू अब सोच के तूने खींचे बस, तो बहुत सारा होगा तो मेडिकल बनवा के देना पड़ता है, जैसे आप दो दिन से ज़्यादा गैप करते हैं स्कूल में तो जो भी इसकी रिपोर्ट वगैरह वो देखते हैं क्या होता है। वैसे पता है सबको कि इसकी तबीयत ख़राब है तो ये कल से जाएगी क्योंकि आज ही अच्छा महसूस करी। इसको बुखार भी बिल्कुल नहीं है, बस इसके ओट काले पड़ गए क्योंकि अनार खाइए ना तो थोड़े से हो जाते हैं। एडिट ना करो भाई हम कुछ ऐसे ही वीडियो डालें। तो माई बेटी करते हैं आप लोगों को बाय बाय बाय, मिलते हैं आप लोगों से कल। अरम्या बनाएगी कल का पूरा ब्लॉग, देख अरम्या को भी वही डॉगी वाली खांसी हुई है अरम्या की मम्मी को भी। तो मिलते हैं आप सबसे कल की वीडियो में। अरम्या वैसे मुझे चीटी काट रही है यहाँ पे देखिए, ताकि मैं ये बात ना बोलूँ। वाह बुची वाह, हरकतें देख लीजिए, हरकतें रिकॉर्ड होते हुए ये चिंतु से गोर मनिका रे आए ना ना, ये कैमरे गलत फोकस कर रहा था, तेरा पर लाइट नहीं के पड़ पावा था अच्छा से। तो बाहर हो रहा है काम और अरम्या के लिए मैं बनाने जा रही हूँ सब्जी। मैं तो सोचा था कि आराम से वीडियो में रिकॉर्ड करके डालूंगी, बट आई कैन का कुल आईफोन में होता है फिर आईफोन का वो चरौले बन गया अम्मी का खानदान में पहली बार मिलल आईफोन चला के का अंग्रेजी में लिख देता है, मेरा तो बुझाते नहीं के। मिलते हैं आप सबसे, अपनी बेइज्जती खुद मैंने कर ली कल के ब्लॉग में। बस देखिए मैं वीडियो में सुधार करने की कोशिश कर रही हूँ, देख फिर लिख दे ए सी एफ ए लॉक मतलब ए ई ए एफ लॉक, अच्छा कुछ लॉक हो जाता लगा था ढेर तेरे फोन वही लगता था। कौन चीज? अच्छा हाँ पानी नहीं गिराना है क्योंकि वहाँ पे काम चल रहा है ना, आप लोगों ने देखा तो। अरम्या के पापा बहुत प्रेशर में है, बात भी नहीं कर रहे हैं, अरम्या से भी ढंग से बात
कभी चिनारिल पर लिए बेचे बू हमरो के लिए बू बोला बेटा तनिक कस के हाँ बोला है तेरे हाँ हाँ इतने बोला हाँ मम्मी जाई जा तो नहीं ना सीधे जाते बनी नहीं आवा तो और मैं जा रही है नारियल पानी ले आने और एक कीवी भी ले आना बेटा गूगल पे लेके जाओ घर में पैसा नहीं खिस हाँ 100 ही रुपए है मेरे पास बचे हुए हैं मैंने जो है वो क्या बोलते हैं कैश मेरे पास है नहीं कल ही मंगाए थे मतलब एटीएम से निकाले थे ख़त्म हो गए आजकल पहले के ज़माने में ना मुझे याद है आज से 10 साल पहले जब 100 रुपये मिलते थे तो इतनी खुशी होती थी फलानी 100 को दे ली है मतलब जैसे मेरी शादी से भी पहले बुआ हुआ मेला में जब हम बड़े हुए हैं तब 100 रुपये अगर देती थी तो लगता था अरे बाप रे 100 रुपया मिला है आजकल किसी को 100 रुपये देने में अजीब लगता है कि अगर वो थोड़ा सा बड़ा है तो 500 से नीचे तो देंगे ही नहीं तो वैसा ही हाल है अभी घर में भी बहुत फाइनेंशियल देख ही रहे हैं कितना सारा मतलब नुकसान जो हुआ है उसकी भरपाई तो भगवान ही करेंगे और ऊपर से मतलब बीमारी में भी दवाइयों में इंजेक्शन में ये वो ऐसे तो फ्रूट मान लीजिए नहीं खा रहे हैं लेकिन करना पड़ जा रहा है ये सिरप सूट नहीं कर रहा तो वो और ये हमने वीडियो बनानी है ड्राई फ्रूट्स आए थे तो ये हमने भी पलंग पे सजा के रखा है ताकि इंस्टेंट यहीं से बना पाए मैंने वीडियो पहले बना दी थी बट वो सारा ड्राफ्ट डिलीट हो गया आज मुझे बक्सा भी खोलना है बक्सा खोलना मीन्स हिमालय चढ़ना क्योंकि इस पर ऐसे कार्टूनों में ना ऐसे कार्टून 10 कार्टून भर भर के रखे हुए हैं तो इसको हटाना है करना है बस खा पी के थोड़ा स्वस्थ होना है क्योंकि शरीर में शक्ति नहीं ना कि मैं लेट लेट के देख ही रहे आप लोगों से बात कर रही हूँ यहीं लेटे लेटे एडिटिंग करूँगी और खाने का देखती हूँ मिलते हैं आप सबसे कल की वीडियो में तब तक के लिए ख्याल रखिए।